तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टाइप का ग्रेडियंट टेक्स्ट किस तरीके से एडिट कर सकते हो। मेरे बहुत सारा थंबनेल पर आपने देखा होगा इस टाइप का टेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो इस टाइप का टेक्स्ट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। आप भी एक क्रिएटर हो तो अपने थंबनेल पर ऐसे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम ऐप यूज़ करेंगे PSCC, ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, नहीं मिला है तो मुझे बता देना है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और एक एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ, उसका नेम है पिक्सेल लैब। तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंदर हम फॉन्ट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एडिट करेंगे PSCC एप्लीकेशन के अंदर। तो किस तरीके से कर सकते हो सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना तो ऐसे टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आई होप। तो चलो लेट्स गो, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले छोटा मोटा एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, चैनल पर नया तो क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको पता ही होगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं, जिस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हो उसको आप सबसे पहले क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो प्लस के आइकन, यहाँ पर टेक्स्ट पर टच कर दो, डबल टैप कर दो, कुछ इस तरीके से आएगा। यह टेक्स्ट माइनस कर लो और यहाँ पर आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आप PSCC में ऐड करने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं मेरा चैनल का नेम लिख देता हूँ और YouTube लिख देता हूँ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओके पर टच कर देता हूँ, ऐप पर आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, तो पिक्सेल लैब पर अभी भी फॉन्ट ऐड नहीं किया है तो एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना है, फॉन्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्सेल लैब में बहुत ही ईजी तरीके से ऐसे फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करूँगा, डबल टैप करूँगा और यहाँ पर हम लिख लेते हैं YouTube, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट ऐड हो गया है। अब यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पर टच करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सेव पर टच करेंगे, सेव एस इमेज, और यहाँ पर डिफॉल्ट पर टच करके अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है, हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगा। सेव टू गैलरी पर टच कर देना है, कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का काम ख़त्म। अब PSCC को ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर टच कर देना है कि अपनी फोटो का रेशियो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वरना वो यहाँ पर ओके पर टच कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब हम टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर टच करेंगे, करने के बाद प्लस के आइकन पर टच करके फोटो लेयर पर टच करेंगे और एक बार टैप कर देंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम पिक्सेल लैब फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, जिस फॉन्ट को हमने क्रिएट किया था उस फॉन्ट को हम ऐड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड पर टच कर देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर टच करेंगे, करने के बाद सिलेक्ट पिक्सेल, यहाँ पर हम टच करेंगे और यहाँ पर हम टच करेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ जहाँ मैं टैप कर रहा हूँ अच्छी तरीके से देखो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो ग्रेडियंट, यहाँ पर आपको टच कर देना है, कुछ इस तरीके से बहुत सारा कलर्स आ जाएगा। अब मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ इस फोन को ऐड करने से रिलेटेड है ये। देखो व्हाइट वाला कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर रहे हो तो आप ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो, इस वाले एकदम एंड में जो ग्रेडियंट है उसको आप सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं, वैसे आप एडिट करना चाहते हो तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बट मुझे सही लग रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइट पर टच कर देना है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टच करने के बाद ये जो सिलेक्ट पिक्सेल है ना, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर एक काम करना है, आपको इनवर्स पर टच कर देना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो इनवर्स, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करो, करने के बाद हमको एक एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करना होगा, ऐड करना होगा सॉरी। तो यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर टच करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो एम्प्टी लेयर, यहाँ पर हम टच करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डन पर टच कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, इस लेयर को या उस लेयर को सिलेक्ट मत करो, बस कुछ इस तरीके से रख दो, यहाँ पर आपको टच करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो फिल स्ट्रेक करके, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर
ये जो ब्लैक कलर है ना उसको आप कुछ इस तरीके से टच कर देना है, व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर टच करके डी सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद आप अपनी फॉन्ट को ग्लो देना है। ग्लो कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो ग्लो, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद ये जो ग्लो का साइज़ है ना, ये 30% आपको रखना है या 25-28 या 30 कुछ इस तरीके से रख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो वाइट कलर है, मान लीजिए रेड कलर, येलो कलर, कोई भी एक्स्ट्रा कलर है तो उसे व्हाइट कर लेना है, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है उसे कैसे हटाना है, उसके लिए यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर टच करेंगे। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे सिलेक्ट पिक्सेल। उसके बाद में हमने जिस एम्प्टी लेयर को ऐड किया था उसे सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से फिर से यहाँ पर टच करेंगे, स्ट्रेच पर टच करेंगे। अब बैकग्राउंड हट गया है और लेटर आप देख सकते हो भाई बहुत खतरनाक लग रहा है। देख सकते हो ग्लो ऐड हो गया है, ग्लोशियन ब्लर भी ऐड हो गया है बहुत इजी तरीके से। अब इस टेक्स्ट को और भी ख़तरनाक बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर टच करना है और यहाँ पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल पर टच करो। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो लीनियर डोज करके, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टच कर देना है और लाइट आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी लाइट आ गया है इस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब इस दोनों फोटो को मर्ज करना होगा, उसके लिए यहाँ पर लेयर के ऑप्शन के ऊपर टच करो। करने के बाद इस ऑप्शन पर टच कर दो। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो मर्ज डाउन, यहाँ पर आपको टच कर देना है। मर्ज विजुअल करोगे तो जितने भी फोटो है ना सब ऐड हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, इसलिए आप यहां पर मर्ज डाउन पर टच कर देना है, डन पर टच कर देना है। ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिट करने में जितना ज़्यादा आपको टफ लग रहा है, आप जब करोगे ना एडिट बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो अब मेरे थंबनेल पर आपने देखा होगा बीबेल टेक्स्ट को मैं ऐड करता हूँ, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर इफेक्ट पर टच कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बीबेल करके, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टच कर देना है और देख सकते हो लेटर का लुक किस तरीके से आ रहा है, बहुत ख़तरनाक लुक आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप ब्लूर भी इंक्रीज कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिकली जो देता है वो सही रहता है, इसलिए यहाँ पर मैं राइट पर टच कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डन पर टच कर देना है, सेव पर टच कर देना है, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉन्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पर शेयर पर टच कर देना है, सेव टू गैलरी पर टच कर देना है, आपने जिस फोटो को एडिट किया है उसको सिलेक्ट करना है, ओके पर टच कर देना है, कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब देखो PSCC से फुल ट्यूटोरियल थंबनेल बनाना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना है, वैसे ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहे अब बोरिंग हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए तक छोटा मोटा वीडियो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो।